हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पेड़ कॉल के जाल में आपको किस तरीके से फंसाया जाता है। अगर आप बिगनर हैं, ठीक है, तो आप ना चाहते हुए भी आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैंने ये वाला वीडियो बनाया था। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देख लेना। तो दोस्तों अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जब आप शुरू में 5 टिप्स लेते हैं तो वो सही क्यों निकलते हैं, और ये मैं दूर में लठ नहीं दे रहा हूं, ठीक है। मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है, मैंने वीडियो वगैरह देखे हैं और मैंने बुक्स वगैरह भी पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये ऐसा इस बुक्स में भी लिखा हुआ है, आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ कि पेड़ कॉल का सच होता क्या है। पेड़ कॉल्स बेसिकली दो तरीके से दिए जाते हैं, ठीक है, एक तरीका और ये दूसरा तरीका। पहला तरीका ये है कि कंपनी आपको 5 दिन का ट्रायल देती है, दूसरा तरीका ये है कि कंपनी आपको 3 ट्रेड का ट्रायल देती है, ठीक है। या तो आप उनको 1 दिन में या फिर 2 दिन में, वो कंपनी का अलग अलग सिस्टम रहता है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका ट्रायल है, उम्मीद करता हूँ ट्रायल की स्पेलिंग यही होगी, दूर में लठ दे रहा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं इंग्लिश उतनी ज़्यादा आती नहीं है, तो दोस्तों मजाक कर रहा हूँ, आती है। तो दोस्तों ये तो हुआ, देखो 5 दिन की ट्रायल, ठीक है, 3 दिन की ट्रायल। अब 5 दिन की ट्रायल का नियम ये है कि आपको 5 दिन की ट्रायल मिलेगी, ठीक है, डेली आपको एक कॉल्स मिला करेगा, वो आपको खरीदना है, ठीक है। फिर दूसरे दिन आपको दूसरा कॉल मिलेगा, 3 दिन, और ये आपका 4th दिन, और ये आपका 5वें दिन, ठीक है। 5 दिन की आपकी कॉल फ्री रहेंगी, उसके बाद 6वें दिन आपको पेमेंट करना होगा, क्योंकि 5 दिन आपने इसको ट्राई कर लिया है, ठीक है, जैसा इन्होंने कॉल दिया हुआ है, आपको ट्रस्ट हो गया है कि हाँ ये कंपनी अच्छा कॉल देती है। अब 6वें दिन ये बोलेंगे कि भाई अब तो आपको हमारी पेड़, मतलब कि जो फ्री ट्रायल था तो वो ख़त्म हो गया है, अब आपको पेमेंट करना होगा। पर पेमेंट इनका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ये 1 मंथ का प्लान है, ये आपका 6 मंथ का है, और ये आपका 12 मंथ का प्लान है। तो काफ़ी सारे लोग इसको जमा कर देते हैं, कुछ लोग इसको, कुछ लोग ट्रस्ट उनको होता नहीं है कि चलो अभी तुमने 5 ही दिन दिया है, तो वो 30,000 रुपये दे के और इसकी पेड सर्विस ले लेते हैं। और उसके बाद ये दूसरा प्लान है, तो इसमें आपको 3 फ्री में दिए जाएंगे, उसके बाद आपको इसमें 20% कंपनी का हिस्सा रहेगा, ठीक है, जो आपको कॉल से दे रहे हैं, जो भी प्रॉफिट होगा, तो 20%, कुछ लोग 30%, कुछ लोग 40%, तो कुछ लोग पहला कॉल उसमें लेते हैं आपसे 50%, ठीक है, और फिर आपसे 45% लेने लगती हैं। और इसके जंजाल में तो भाई मैं भी फंस गया हूँ, ठीक है। तो ये तो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको ए वाले 5 ट्रायल बता रहा हूँ कि आखिर ए वाले 5 ट्रायल किस तरीके से कंपनी देती है कि वो सही निकलते हैं, और बाद में आपको जो भी मिलते हैं तो वो सही क्यों नहीं निकलती हैं, ठीक है, बाद के सही नहीं निकलती हैं। अगर निकलते भी हैं तो कुछ निकलते हैं, कुछ नहीं निकलते हैं, कुछ में आपको प्रॉफिट होता है, कुछ में आपको लॉस होता है, कुल मिला के आप बराबर रहते हैं या फिर आप लॉस में ही जाते हैं। तो दोस्तों आपको कॉल्स के बारे में कहाँ से पता चलता है, ज़रूर आपको यूट्यूब पर, ठीक है, या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐड के थ्रू बताया जाता होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि किसी कंपनी ने ऐड चलाया यूट्यूब पर और उसने 10 लाख लोगों को ऐड दिखाया। अब ऐड चलाना बहुत ही सस्ता काम है, ठीक है, 1 लाख रुपये में या फिर उससे भी कम में 10 लाख लोगों को ऐड आराम से दिखाया जा सकता है। अब मान लीजिए कि 10 लाख लोगों में से कुछ लोग ऐड इग्नोर करती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को क्या है, पैसा कमाना है, उनका फुल माइंड है, तो वो कहीं ना कहीं इनके बातों में आ जाती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि 10 लाख में से 1 लाख का है, 1 लाख भी नहीं है, 50,000 नहीं, मान लो कि 10 लाख में से 40,000 लोग इनके जाल में फंसते हैं, या फिर आप एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 20,000 लोग मान लीजिए, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर 40,000 लोगों का एग्जाम्पल लिया है, तो फॉर एग्जाम्पल ये 40,000 लोग हैं, ठीक है, तो इनका क्या होता है कि इनके ग्रुप बनाए जाते हैं, पहले ग्रुप में 20,000 लोगों को ले लिया और दूसरे ग्रुप में 20,000 लोगों को ले लिया, ठीक है, ये आपका डे फर्स्ट है। अब फर्स्ट डे ही दोस्तों ऐसा होता है, और ये मैं अंधेरे में तीर नहीं चला रहा हूँ, ऐसा जो लोग पहले कॉल प्रोवाइड करता था, ठीक है, अभी मैं आपको इसकी एक क्लिप दिखा देता हूँ, हालांकि उनका वीडियो मैंने पूरा वॉच किया है जो कि 1 घंटे 25 मिनट का है, ठीक है, तो उन्होंने उस वीडियो में सब कुछ बताया है, तो इसमें एक क्लिप है, तो मैं आपको बता देता हूँ पेड कॉल की सच्चाई कि वो पेड कॉल आपके 2 भागों में डिवाइड किए जाते हैं, देखिए यहाँ पे वीडियो। एंड वहाँ पे मुझे एक बड़ी खतरनाक चीज़ पता लगी, मैं शॉक्ड हो गया। ट्रायल के लिए 2 ग्रुप्स बनते थे, एक ग्रुप में बाइंग, दूसरे ग्रुप में सेलिंग जाते। करेक्ट। तो अब चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, तो अभी इनको बोला गया 20,000 लोगों को फर्स्ट डे कि भैया आज तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, और इनको बोला कि आप ऐसा करो आज बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, आप ऑर्डर प्लेस कर दो, ठीक है। और ये बात तो ये है कि थोड़ा बहुत ये रिसर्च भी करते हैं, ठीक है, हो सकता है कि बैंक निफ्टी नीचे भी जाए फिर ऊपर भी जाए, तो दोनों लोग
लकी हो जाए, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि बैंक निफ्टी ऊपर नहीं गया और बैंक निफ्टी गया नीचे, तो ये वाले लोग इनके सिलेक्ट हो गए, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर भी जाता नीचे भी जाता तो इनको भी प्रॉफिट करवा देगा और इनको भी करवा देगा, तो 40,000 लोगों का ग्रुप फिर से आगे काम करेगा दूसरे दिन भी। अगर मान लो कि एक फ्लॉप होता है तो वो क्या करेगा, 20,000 लोगों को एक दिन दूसरा हो गया, और इधर मान लीजिए कि 20,000 लोग ये तो सही निकले ना, इधर ये राइट लगा हुआ है। अब ये 20,000 लोगों को दो भागों में फिर से डिवाइड कर दिया जाता है, 10,000 लोग इस साइड आ जाते हैं और 10,000 लोग इस साइड आ जाते हैं। अब इनको फिर बोला जाता है कि भाई आज तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, इसको बोला जाता है कि आज नीचे जाएगा। अब मान लीजिए कि बैंक निफ्टी आज नीचे नहीं गया तो ये वाले लोग गलत हो गए, ठीक है, ये वाले लोग सही हो गए। अब 10,000 लोग आ गए, अब 10,000 लोगों का ग्रुप आगे फिर से बनाया जाएगा और इनको बोला जाएगा, फिर से यही क्रम चलता जाएगा, ठीक है। 5,000 लोगों को बोला जाएगा ऊपर जाएगा और 5,000 लोगों को बोला जाएगा कि बैंक निफ्टी आज नीचे जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि इसमें से ए वाले सही निकल गए तो 5,000, ठीक है, ये दिन आपका तीसरा हुआ। इसके बाद ये फोर्थ दिन है, 5,000 लोगों को 2,500 लोगों में डिवाइड कर दिया जाता है, और सेम यही बात 2,500 लोगों को बोली जाती है कि भैया आज तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, आज बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, तो इसमें से कुछ लोग और, ठीक है, आएंगे और कुछ लोग इसमें से रिजेक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये वाले रिजेक्ट हो गए, इनका सही निकल गया, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी कभी दोनों का भी सही निकल सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये यहाँ पर ये आपका फोर्थ डे, उसके बाद फाइव दिन भी यही होता है। इसके बाद ये 2,500 है, ठीक है, 2.5K, और इसके बाद इनको 1,225 लोगों में डिवाइड कर दिया जाता है, और इधर भी ये 1,225 लोगों में डिवाइड कर दिया जाता है। अब 1,225 लोग पाँचवें दिन सेलेक्ट होकर आएंगे। अब 1,225 लोग हैं अगर, ठीक है, और इनके कॉल्स पाँच दिन एकदम सही गए हैं, ठीक है, पाँच दिन का ट्रायल इन्होंने ले लिया है, इनको कंपनी पर आंख बंद करके भरोसा आए कि नहीं भाई कंपनी के कॉल तो सही जाते हैं, मैंने पाँच दिन का ट्रायल लिया हुआ है, ऐसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। फिर उस व्यक्ति के साथ छठवें दिन, सातवें दिन, आठवें दिन क्या होता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में बताई हुई हैं। तो ये 1,225 में से मान लीजिए कि कुछ लोगों के पास पैसा तो इनके पास है क्योंकि इन्होंने पाँच दिन ट्रेड किया है, ऐसा नहीं है कि ये इसमें इन बंदों के पास पैसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं, मतलब कि अगर हमारा जैसा वीडियो देख लिया है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, सर्विस को ले लवा के, ठीक है, थोड़ा सा एंजॉय करके और निकल जाएंगे। लेकिन कुछ लोग तो इनके जाल में फंसेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये इसमें से कितने लोग बातों में आ सकती हैं, ठीक है, इसका आधा मान के चलिए ना, तो कहीं ना कहीं 612 लोग तो इनकी बातों में आएंगे, ठीक है, 612 भी नहीं, आप 500 लोगों को लेके चलिए, ठीक है, तो ये 500 लोग निकल के आ गए। अब 500 लोगों से बोला जा रहा है कि आपने हमारी फ्री सर्विस का तो यूज कर लिया है, अब ऐसा है कि आपको देना पड़ेगा पैसा, ठीक है, तब जाके मिलेगा छठवें दिन का कॉल। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग दिमाग चला लेते हैं कि यार इसमें फ़ायदा है, ठीक है, हर महीने 30,000 रुपये जमा करो, साल की होती है 336,000 रुपये, अरे भैया ये तो गड़बड़ है, ठीक है, 360,000 रुपये बराती है 36, हाँ 360,000 रुपये होता है, ठीक है। तो दोस्तों वही है, अब मान लो कि कुछ लोग इस सर्विस को लेते हैं, कुछ लोग इसको लेते हैं, कुछ लोग इसको लेते हैं, अब यहाँ से कंपनी की कमाई हो जाती है। कंपनी ने ऐड में कितना खर्च किया, उसके बाद कंपनी ने कुछ एम्प्लॉई वगैरह रखे होंगे। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि कंपनी ये यहाँ पर क्या एक तरीके का गलती काम है, तो यहाँ पर भी जो एम्प्लॉई काम करते हैं ना, उनको महीने का 30,000 रुपये या फिर 20,000 रुपये नहीं देते, ठीक है, उनको भी 1,00,000 या फिर 1,50,000 रुपये, या फिर जो अच्छे तरीके से लोगों को हैंडल कर लेता है उनको 2-2, 3-3 लाख रुपये महीने का दिया जाता होगा। तो दोस्तों उसके बाद ये कंपनी क्या करेंगे, आपको 3-3 कॉल प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें से आपके 2 सही निकला करेंगे, ठीक है, एक गलत निकला करेगा या फिर 2 गलत निकला करेंगे, ठीक है, एक सही निकला करेगा। और जब आप इनसे कुछ बोलोगे तो ये बोल देंगे कि शेयर मार्केट तो वही रिस्क ही है, मैंने आपको पहले ही बोला था टर्म्स एंड कंडीशन हमारे आप एक बार देख लो। तो भाई अब बात यह है कि ये कभी ना कभी लॉस में जाएंगे और अपने पास कभी ना कभी फंड कम हो जाएगा, ठीक है, ये तो बोलेंगे कि हाँ अब हम आपको प्रॉफिट करवाएंगे और फंड ऐड करो और ट्रेड करो। और इस वीडियो में बस इतना ही था, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपका कोई दोस्त है जो शेयर मार्केट में आना चाहता है या फिर वो अभी बिगनर है तो आप उस तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी पेड कॉल के चक्कर में ना आए।